तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक लेकर के आ गए हैं। ये स्टॉक अभी एवी में एंट्री की है और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी तैयार कर रही है। बीएससी एनएससी में स्टेट है। मार्केट कैप है 40,000 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 136 रुपये और हाई लगा चुका है 169 रुपये का। लो है 113 रुपये का और स्टॉक पी है 54। बुक वैल्यू है 24। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.73% की। आरओसी है 6.25%। आरओई है 1.18% और फेस वैल्यू है 1 रुपये की। प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3.76% की, सॉरी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 3.76 और एनुअल प्रॉफिट है -285 करोड़ का। डेब्ट है कंपनी के पास 26,893 करोड़ का और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.68%। इंडस्ट्रीज पी एच 76। EPS है 2.14 रुपये की। फ्री कैश फ्लो है 2443 करोड़। प्लस परसेंटेज 19% है, यानी प्रमोटर के तरफ से 19% की होल्डिंग गिरवी रखी गई है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो देख सकते हैं दिसंबर वाले क्वार्टर में 1344 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है कंपनी के पास। सितंबर वाले क्वार्टर में 1020 करोड़ का, जून वाले में 710 करोड़ का और मार्च वाले में 1194 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी के पास। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की तो 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को दिसंबर वाले क्वार्टर में। सितंबर में 186, जून में 22 और मार्च में 158 करोड़ का। अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इनका पैसा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट में चला जा रहा है। दिसंबर वाले क्वार्टर में इन्हें 545 करोड़ का इंटरेस्ट लगा हुआ था, जिस वजह से इनकी प्रॉफिट बहुत कम हो गई और वही सितंबर में 499 करोड़ का इंटरेस्ट लगा है और जून में 467, मार्च में 463। तो अभी करंट टाइम में इन्हें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है इस वजह से, और डिप्रिसिएशन भी इनके पास बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में लगा हुआ है। तो ये सब क्या होता है, पैसे माइनस हो जाते हैं जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है कंपनी का। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो TTM में 4,328 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 2765, 2021 में 2462 और 2020 में 3233। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कंपनी अच्छा कर रही है और लेकिन इनका क्या है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा ही हाई है, इस वजह से ये कंपनी निगेटिव परफॉर्मेंस करने लग रही है। तो TTM में देख सकते हो 717 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। 2022 में 285 करोड़ का लॉस हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 2765 करोड़ का और इंटरेस्ट लग गया है 1869 करोड़ का प्लस डिप्रिसिएशन लगा है 866 करोड़ का। इस वजह से ये कंपनी जो प्रॉफिट थी वो सारे इंटरेस्ट में चली गई है और प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये अपनी 1800, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पे। तो TTM में 57% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो TTM में प्लस 526% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में 20% है, 5 साल में -3%, 3 साल में 43% और 1 साल में 6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 11%, 3 साल में 2%, लास्ट ईयर 2% है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 6,866 करोड़ का और वहीं कर्ज है 26,893 करोड़ का इनके पास कर्ज है और ये कर्ज सितंबर वाले महीने में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 2845 करोड़ का कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो
50 करोड़ का है इनके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 51.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और FIIS वालों के पास 14.85% की होल्डिंग है और DIIS के पास 22.15% की होल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में FIIS और DIIS ने एंट्री किए हैं, तो इस वजह से भी हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री करके चल सकते हैं। पब्लिक के पास मात्र 11% की होल्डिंग है। अगर पब्लिक के अंदर देखें तो ठीक है, पब्लिक का ये रिटेल भाई का लगा हुआ पैसा 11.40%। स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप स्टॉक का है, एंजल वन का है, इन दोनों में से किसी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तो जाइए लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आप भी लिंक डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इस स्टॉक का नाम अशोका लीलैंड, बहुत पुरानी कंपनी है, आपको पता होगा अशोका लीलैंड के बारे में। तो अशोका लीलैंड के जो लोगो है और ब्रांड नेम है उसके नीचे ठीक आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, कोई मंजिल दूर नहीं है। मतलब यार संघर्ष करने का देर है, कोई मंजिल दूर नहीं है, ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, ये इनका अच्छा लाइन है। और हम इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं और ये इनका ICV डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रक है, होलेक्स ट्रैक्टर, टीफर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, डंपर, टीफर मतलब डंपर, जो डंपर होता है खदान वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें हैं। और 74 साल से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सलेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अशोका लीलैंड हैज वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इस कंपनी की वैल्यू क्या है, $4.5 बिलियन की कंपनी है ये। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं अक्रॉस द ग्लोबली, 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। लॉन्चेड इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस, तो इंचियम इंडिया के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस इन्होंने ही लॉन्च किया था। और मैं आज इस स्टॉक को आपके पास इसी वजह से लेकर के आया हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ ट्रक भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बस इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में 4th नंबर पे है बस मैन्युफैक्चर करने के मामले में। 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया, 2nd नंबर पर कमर्शियल व्हीकल जो होता है जैसे ट्रक हो गया जो कमर्शियल में काम आता है, ठीक है, वो 2nd नंबर पे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और 50 कंट्री के अंदर इनकी प्रेजेंस है, फुटप्रिंट एट एक्सटेंड अक्रॉस 50 कंट्री। तो ये कंपनी ट्रक, बसेस, लाइट व्हीकल, पावर सॉल्यूशन में भी काम करती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजन तो हम आ गए हैं इनके टेक्निकल मतलब चार्ट पैटर्न पे और देख सकते हो ये स्टॉक 2020 से जब भागना स्टार्ट की तो बहुत लाजवाब रिटर्न बना करके लोग दी है। 33 रुपये के भाव में मिला करता था 2020 में, ठीक है, 2 मार्च 2020 में। और एक जून 2022 के दिन ये 136 रुपये के प्राइस तक किया था ऊपर, अब हुआ था और 400% का रिटर्न कंपनी ने बना करके दे दिया लोगों को। इतने कम के टाइम के अंदर इतना हाई रिटर्न मतलब कुछ मायने रखता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब भी कोई भी स्टॉक हो ना बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके जब दे देती है उसके बाद करेक्शन आना तय है और सेम वही चीज़ हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, करेक्शन अब आ रही है टॉप से। अब ये स्टॉक जो अपना हाई बनाया था वहाँ से
19% टूट चुका है, और हो सकता है ये ट्रेड लाइन हमने जो ड्रॉ किया है 120 के प्राइस तक आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, चांस बनता है 28% टूटने का। लेकिन अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ये स्टॉक, ठीक है, नीचे की तरफ अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक 60 रुपये के भी प्राइस में आने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो आप अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं इस स्टॉक को। अगर 120 के प्राइस, देखो यहाँ तो आना तय है 120 के प्राइस में आएगा, 122 के प्राइस में आएगा। अगर जिन्हें बाई करना होगा तो इस प्राइस में बाई कर सकते हैं, और अगर स्टॉक ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ डेफिनेटली यारो, तो ये स्टॉक समझ लो 63 रुपये के प्राइस में आएगा। अगर ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करें, परसेंटेज देखें, तो 65% की करेक्शन होने का चांस, अगर ब्रेकआउट होता तो 65% की करेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली होता भी है करेक्शन, जो इतना ज़्यादा रिटर्न बना करके देते कंपनी। तो अगर इस प्राइस में बाई अगर मिल जाता हमें तो बल्ले बल्ले, मतलब क्या ही कहना है, आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न वो लोग कमा सकते हैं जो इस प्राइस में अगर ये स्टॉक मिला जो लोग बाई किए हैं। तो लेकिन इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद ही होगा ऐसा। अगर यहाँ सपोर्ट लेकर के उड़ गया तो फिर कोई चांस नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।